देखिए, जो राज्य सरकार की जो हालत है वो तो सबको पता ही है कि राज्य सरकार की क्या हालत है। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला? वो 7 लाख रुपया नहीं मिला। तो देखिए, तो मैं, मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूते हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। कि मैं देख रही हूँ कि गांव के लोग खुद अपने हाथों से अपने पुल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, अवश्य ही इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था, 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए इन पे, स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पे जो है लगाम लगाई जाए। क्योंकि एक हद तक जो है, लेकिन जब इंसानियत यहाँ पर जो है रोने लगी है तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे ये इस तरह की क्रूरता नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि भाई केंद्र से हमारे कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, वही लास्ट ईयर भी एडवांस जो हमारे को राशि मिलती है वही नहीं दिया। बार बार आरोप लगा। देखिए, जितने पैकेजेस हिमाचल को मिले हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हिमाचल में हुआ है, मुझे नहीं लगता इतनी आबादी वाले ऐसे क्षेत्र में पहले हुआ है। और अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो हमारे वित्त मंत्री है, उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल के लिए उसकी घोषणा की है। और कितने राज्यों ने इस पर, आपने देखा कितने राज्यों ने इस पर जो आपत्ति जताई कि हिमाचल को क्यों पैकेज जा रहे हैं। लेकिन अब वो पैकेजेस जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। जो केंद्र सरकार के पास जो भी आयोजना होगी और जो भी लोगों की जो सहमति होगी उसके साथ मिलकर ही काम करेंगे। जमीन कहीं दूर हुई तो क्या ये अपना एरिया छोड़ के जाना चाहेंगे? नहीं। किसकी जमीन आप दूर कहीं इनको दूसरी पहाड़ी में स्थापित, तो क्या वो वहां रहना चाहेंगे अकेले? नहीं, लोग अपने ही एरिया में रहना चाहते हैं। उधर क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम जमीन दे सकते हैं या हम अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर जो है इस पर डिस्कशन की जाएगी। लेकिन बात तो यही है कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा ये तो राज्य सरकार करेगी आपका एग्जीक्यूशन।